जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप अच्छे से ही होंगे। तो अब बज रहे हैं दिन के 10 बजे का टाइम है और मैं कर रही हूँ ब्लॉग की अपनी शुरुआत। तो मेरी ब्लॉग की शुरुआत आज यहीं से हो रही है। मैंने नाश्ता वगैरह सब बना लिया है और अब मैं बैठ गई हूँ आपसे कुछ बातें करने, ज़रूरी, क्योंकि ये मेरे साथ नहीं है जो मैं कुछ अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो ये आप लोगों के साथ भी होता होगा कि हम कई बार सोचते हैं कि बहुत सारी महिलाएं और बहुत लोग ये सोचते होंगे हम यूट्यूब पर अपना चैनल बनाएं। आप बना सकते हैं, लेकिन हर एक के मन में कुछ ना कुछ संशय रहता ही है कि जैसे मेरे भी रहता है और रहता था कि मैं क्या बनाऊं, क्या डालूं, क्या ब्लॉगिंग करूं। बात ये होता है, ब्लॉगिंग करने से हमें जो अगर हम ब्लॉग करते हैं तो अपनी डेली लाइफ में जो कुछ होते हैं हम उसमें से थोड़ा बहुत आप लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। लेकिन ये है ना, कुछ कारणवश महिलाएं या जो भी हो, लड़की हो या कोई हो, तो वो इस तरह से ब्लॉगिंग में अपने जो ये है एक्सपीरियंस शेयर नहीं कर पाती। लेकिन मैंने तो अपने एक्सपीरियंस से यही अब तक की, मुझे यूट्यूब में आए हुए 2-3 साल हो गए हैं। पहले मेरा एक दो चैनल और हैं, वो है टेस्ट गार्डनिंग के। तो वो भी मेरे मतलब उस वो भी चैनल मोनिटाइज नहीं हुआ है, क्योंकि उस पर भी मैं कभी कभी ही वीडियो अपलोड करती हूँ और इस पर भी मैं कभी कभी वीडियो अपलोड करती हूँ। लेकिन अब मैंने सोचा कि डेली मैं इस पर अपने ब्लॉगिंग चैनल पर डेली वीडियो अपलोड करा करूँगी, क्योंकि ये होता है कई बार कुछ समस्याओं की वजह से हम अपनी वीडियो जो है अपलोड नहीं कर पाते। लेकिन फिर मैंने सोचा ऐसा कोई घर नहीं है जिसके लिए कोई ना कोई समस्या जिसके साथ ना लगी हो। हर एक के साथ कोई ना कोई छोटी बड़ी समस्या लगी ही रहती है। अगर हमें ब्लॉगिंग का शौक़ है तो हमें अपनी ब्लॉगिंग ज़रूर मतलब स्टार्ट करनी चाहिए, और अगर हम कर रहे हैं ब्लॉगिंग तो अपनी जर्नी हमें कंटिन्यू रखनी चाहिए। तो इसीलिए अब मैंने आप लोगों के साथ ये अपने मन की ही बात शेयर कर रही हूँ। तो मैं सोचती थी क्या वीडियो बनाऊँ, क्या डालूँ, क्या डेली वही लाइफ, लेकिन यही है जो भी है मैं आप लोगों के साथ वही शेयर करूँगी। और अभी तो मेरी जो वीडियो में केवल मैं ही आपको दिखाई दूंगी, या मेरे से ही पर्सनल मेरी मतलब जो भी अपनी लाइफ में जो भी कुछ घटेगा वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने का प्रयास करूंगी। क्योंकि ये जो मेरी समस्या है, बहुत लोगों की समस्या होती है कि घर के फैमिली मेंबर है जो है वीडियो में आना पसंद नहीं करते या उन्हें ब्लॉगिंग वगैरह पसंद नहीं होती। तो इसलिए जो है महिलाएं जो होती है घर की लड़कियां, माँ बेटियां जो भी हैं, माँ बहनें, तो वो ये सोच कर रुक जाती हैं कि घर के और मेंबर को अच्छा नहीं लगता तो हम मतलब ये ब्लॉगिंग ना ही करें। लेकिन मैंने सोचा है कि कोई ये ब्लॉगिंग करना कोई बुरी बात नहीं है, कोई इसमें कोई भी बुरी बात नहीं है। हम ब्लॉगिंग कर सकते हैं अपने एक दायरे में रह के। हाँ, कुछ बातें ऐसी होती हैं जो आप अपने पर्सनल रखना चाहें तो वो आपके ऊपर है कि आप उसे अपना पर्सनल रखिए, और जो आप शेयर करना चाहें वो शेयर कर सकते हैं। तो इसीलिए मैंने ये ब्लॉगिंग की शुरुआत की है। और शुरुआत तो जैसे कि मैंने बताया कि कर तो मैंने बहुत दिन से रखी है, लेकिन यही है कि मैं डेली इसमें वीडियो नहीं डालती। और अब मैंने सोचा है कि अब मैं इसमें डेली अपने ये ब्लॉगिंग की मतलब अपने डेली लाइफ की कुछ ना कुछ वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करा करूँगी। क्योंकि ये है ना, जिसे शौक़ होता है, क्योंकि मुझे ब्लॉगिंग का शौक़ है, मतलब कि मैंने यूट्यूब चैनल तो मेरे 2-3 साल जैसे कि मैंने बताया है कि बने हुए हो गए हैं। मैंने 2-3 चैनल बना रखे हैं और सब पर अच्छे खासे व्यूज़ थे शुरू में। लेकिन यही है कि जैसे मैंने अपनी जर्नी कंटिन्यू नहीं रखी तो फिर उसमें क्या है ग्रोथ होनी बंद हो गई। तो फिर से मैंने ये अपना जो ये मेरा ये चैनल है जिसपे मैं ये ब्लॉगिंग कर रही हूँ, तो इस पर फिर से मैंने वीडियो डालनी शुरू कर दी है। सॉरी, क्योंकि मुझे एहसास हुआ कि ब्लॉगिंग करना कुछ भी बुरा नहीं है। अब घर के हम हर मेंबर की बात सुनेंगे तो ये है हम अपने मन का कुछ भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये होता है ना कि जो लेडीज ही होती है घर की वो सबके साथ कंप्रोमाइज़ कर लेती हैं, सबके साथ कंप्रोमाइज़ कर लेती हैं। लेकिन कोई ही मतलब बहुत कम लोग ऐसे होते होंगे अधिकतर घरों में कि जो लेडीज़ के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर ले कि हाँ चलो वही से ब्लॉगिंग का या किसी चीज़ का शौक है, ये कर रही है, कुछ गलत नहीं कर रही है तो हम इसका सहयोग करें। हाँ, टांग खींचने के लिए सब तैयार रहते हैं, तो अधिकतर ऐसा ही होता है। लेकिन फिर यही है कि इन सब बातों को ताक पर रखकर मैंने ब्लॉगिंग शुरू कर दी है। और कमेंट करके बताना कि आपको मेरी ये राय कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट पे ज़रूर बताना, और वीडियो आपको पसंद आए और मुझे मोटिवेट करने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट और शेयर भी करें। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। आज बस इतना ही। थैंक यू। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।